7 साल हो गए हैं निर्भया कांड को, लेकिन अभी भी लगातार निर्भया के परिजन सजा की गुहार कर रहे हैं। अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है और अब जिस तरह की तस्वीरें हैदराबाद से आई हैं, एकदम रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। क्या कुछ कहना है लोगों का, क्या कुछ कहना है महिलाओं का इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि सुरक्षा इंतजाम की जब बात आती है तो महिलाएं, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, या चाहे भारत के कितने भी बड़े महानगर हो, महिलाएं अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। बिल्कुल अंशु, आप ये बात सही कह रही हैं कि देश भर में महिलाएं जो हैं कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, हाल ही में जो ये दरिंदगी की जो ये इतनी बर्बरता से जो रेप हुआ है, उसके बाद हत्या की गई है जो इस महिला की हैदराबाद में, उसके बाद आप देख सकते हैं कि गाँव, पिछड़े वर्ग के जो इलाके हैं उनकी तो हम क्या बात करें, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में यही हो रहा है। और अंशु, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, हैदराबाद से हमारे साथ कुछ लड़कियाँ हैं जो आई हुई हैं, उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे कि उनका क्या टेक है इस चीज़ के ऊपर। हमारे साथ जुड़ी हैं एक महिला जो हैदराबाद से ही हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो क्या क्या कहना है आपका इस बारे में, क्या कहना चाहेंगी, ये जो दिन पर दिन जो बर्बरता हो रही है महिलाओं के साथ, क्या कहेंगी इस बारे में? तो ये जो हो रही है, ये आज से नहीं हो रहा है, काफी समय से हो रहा है। बस परेशानी इस बात की है कि ये बढ़ता ही जा रहा है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये हमें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों लोग ये समझ नहीं रहे कि इतना सब कुछ हो रहा है, इतना हम इतने लाइट कैंडल लाइट मार्चेस कर रहे हैं, इतना निर्भया ये सब कुछ जब चल रहा है, इसके बावजूद लोग अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि लोग इस चीज़ को समझें कि आज जो वुमेन एम्पावरमेंट के सारे लोग बात कर रहे हैं तो वो बस बात ही कर रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों ज़रूरत है इन औरतों को एम्पावर करने की, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद समझ ले कि इसकी ये जो है अब वो अपने आप को खुद वो सशक्त है कि वो अपने आप को संभाल सकती है, बस आप जो है ये ध्यान रखें कि जब भी कोई भी इंसान जो भी ये गंदी हरकतें कर रहा है, बस एक बार सोच लें कि वो जो जिसके साथ भी वो करने की सोच भी रहा है ना, वो हो सकता है कि उनकी जगह पर कोई उनका ही फैमिली मेम्बर हो, तो उस हिसाब से सोच के उन्हें जो भी एक्शन लेना है वो करें। और मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, इन सबको ध्यान रखना होगा कि कितना भी कोशिश करें, इतनी आई नो कि हैदराबाद इज़ वेरी सेफेस्ट प्लेस, बट स्टिल ऐसा हो रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लूप होल है जिसकी वजह से स्टिल ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए ताकि ये जड़ से मिट नहीं सकता, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए, अब लगना चाहिए। हम आज के समय में नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट जैसी बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो हम केसेस सुनते हैं, निर्भया कांड के बारे में बात करें, हाल ही में जो हैदराबाद में, और आप बेसिकली आप जैसा कि हमको पता है आप हैदराबाद से हैं, तो क्या कहेंगी आप? जी, ये जो भी हम बातें करते हैं ये एक्चुअली बुक्स में ही पढ़ते हैं और रियलिटी में कोई उसको एग्जीक्यूट करना नहीं चाहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का या फिर सिर्फ सिटीजन्स का नहीं है, ये दोनों का है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई लड़की जा रही है तो वो घर तक सुरक्षित जाए। तो मैं चाहती हूँ कि दोनों भी अपनी सहायता करना चाहिए एक दूसरे की। तो अंशु, आपने देखा कि हैदराबाद की लड़कियां थी जिनसे आपने बात करी, आप देख सकते हैं कि कितने गुस्से में ये हैं, वहीं दूसरी जगह ये लोग काफ़ी दुखी भी हैं कि जो हाल ही में जो घटना हुई है हैदराबाद में, उनका यही कहना है कि जो महिलाओं के साथ ये दिन पर दिन जो दरिंदगी हो रही है, एक बार जो ये लोग कर रहे हैं करने से पहले सोचे कि कल को फैमिली मेम्बर के साथ भी उनका ये सब हो सकता है, तो इस चीज़ पर वो लोग रोक लगाएं। बिल्कुल सही कह रही हैं अनीशा आप। अनीशा, अगर हम बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की, तो 18 से जो 30 साल की उम्र की लड़कियां हैं सबसे ज़्यादा तेलंगाना में, उनके साथ दरिंदगी की के आंकड़े सामने आए हैं जो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और वहां से ऐसी दो रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदातें सामने आई हैं। अभी तक निर्भया कांड ओवर हुआ नहीं था कि जो ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं उन्होंने भी चौंकाया है, और अब हैदराबाद की ये तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली है। डेफिनेटली आज हमने ये भी देखा था कि दिल्ली में संसद भवन के सामने एक अन्नू नाम की लड़की प्रदर्शन कर रही है, अपने ही अस्तित्व के लिए वो वहाँ खड़ी हुई है कि क्या मैं अपनी ही मातृभूमि में सुरक्षित नहीं हूँ, इस तरह के लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अनीशा, आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, लोगों से आप बातचीत कर रही हैं, क्या वो वाकई में डर अब और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको महिलाओं की आंखों में?
बिल्कुल अंशु, हमने बात करी यहाँ की महिलाओं से, दिल्ली की महिलाओं से, उनका यही कहना है कि जिस तरह से ये दिन पर दिन ये हादसे होते जा रहे हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आज के समय में हर महिला नौकरी कर रही है, नौकरी पेशा है, और जैसे हम बात करें कि शाम को, जैसे हमने कई और महिलाओं से भी बात करी, उनका यही कहना है कि अगर वो जॉब से लौटती हैं तो एक बार उनके मर में कहीं किसी दिन उनको इस चीज़ का शिकार ना हो पड़े, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों के मन में, महिलाओं के मन में इस चीज़ का खौफ दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि एक गलत चीज़ है, क्योंकि प्रशासन ये जो दिन पर दिन ये जो केसेस हो रहे हैं, रेप के मामले सामने आ रहे हैं, और फिर भी हम देख रहे हैं कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आराम से जो लोग करके छूट जाते हैं, आराम से खुलेआम घूम रहे हैं, तो इस पर कोई कठोर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, उनके मन में कोई डर ज़रूर बैठाना चाहिए इस चीज़ के लिए कि अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो उन पर ठोस कार्रवाई की जाए। बिल्कुल अनीशा, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।